देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक पेयर शोज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। ये पूछ रहा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। चार ऑप्शन दिया हुआ है आपका, एक दो तीन और एक उधर है। तो यहाँ पर सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं। ये जो आपका देख रहे हैं इसमें आपको क्या दिख रहा है, कोबाल्ट पहले एमिनो के साथ है, फिर क्रोमियम साइनाइड के साथ है। यहाँ पर क्रोमियम आ गया एमिनो के साथ और कोबाल्ट आ गया साइनाइड के साथ, बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पर सेम है दोनों में। तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे क्योंकि सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ, सेंट्रल एटम चेंज हुआ, बाकी जो आपका यहाँ पर एमिनो है और यहाँ पर साइनो है दोनों सेम है ना। आप देखेंगे खाली सेंट्रल एटम को हम लोग इधर से उधर किए हैं ना। तो इस तरह का आइसोमेरिज्म को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। इस पर आते हैं, यहाँ पर क्या है, सिक्स एक्वा है और क्लोराइड बाहर में है, यहाँ पर फाइव एक्वा वन क्लोरो है और दो क्लोराइड और एक एक्वा बाहर में है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्वा ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कि वाटर को ही आप ठीक है एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसको हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहेंगे, जहाँ पर वाटर के नंबर पे चेंज हो, सिर्फ वाटर के नंबर पे चेंज हो वहाँ पर हम लोग उसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहेंगे, करेक्ट। इस तरह के केस में देखते हैं क्या है, यहाँ एक प्लैटिनम है, दो एमीन है और दो क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, दो प्लैटिनम है, दो चार एमीन है और चार क्लोराइड है। तो अगर इसको डिवाइडेड बाई टू करेंगे, एक प्लैटिनम दो एमीन और दो क्लोराइड आएगा, वही एक प्लैटिनम दो एमीन और दो क्लोराइड आ रहा है ना। तो यहाँ पर इसके इम्पेरिकल फॉर्मूला जो है, इम्पेरिकल फॉर्मूला में नो चेंज, सिर्फ क्या हुआ इसका मोलिकुलर वेट इंक्रीज कर रहा है ना। इम्पेरिकल फार्मूला में नो चेंज, मोलिकुलर फार्मूला इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग इसको पॉलीमराइजेशन कहेंगे, है ना। पॉलीमर इसी तरह से बनता है, मोनोमर सिर्फ रिपीटिंग यूनिट जाता है, तो इम्पेरिकल फार्मूला वही रहेगा लेकिन मोलिकुलर वेट चेंज होता है। तो इस तरह के पॉलीमराइजेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, ये आपका है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए सल्फेट है, यहाँ पर टू माइनस होगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस होगा, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से ये ब्रोमीन बाहर आ जाता है, ये सल्फेट अंदर चला जा रहा है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है, करेक्ट। लेकिन जो ये सल्फेट है, ये पर एक माइनस ही रह जाता है अंदर में, और एक ही बॉन्ड इसके साथ लिंक करता है आपका कोबाल्ट के साथ, ठीक है। तो इस तरह के जो आइसोमेरिज्म है जहाँ पर आयन एक्सचेंज होते हैं, उसको हम लोग आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, करेक्ट।